अच्छा, कई बार हम में से ये सोचते हैं कि जो साधु संत होते हैं ना, उनकी जो जिंदगी होती है वो मंदिरों के इर्द गिर्द रह के ही पूरी हो जाती है। भगवान के आराधना में, उनकी पूजा अर्चना में ही पूरा समय व्यतीत हो जाता है। और ये जो आप देख रहे हैं इस चलचित्र में, नजर आ रहे हैं आपको इसमें, अयोध्या में स्थित तुलसीदास छावनी के महंत श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर जनार्दन दास जी महाराज। और अब आप सोच रहे होंगे कि ये मेरे इस चैनल पर, जहां पर सिर्फ आपको गाड़ियां फर्राटा भरती नजर आती हैं, वो क्या कर रहे हैं? तो अभी आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि अभी तो इसकी शुरुआत हुई है। तो सबसे पहले जान लेते हैं जनार्दन दास जी के बारे में। तो जनार्दन दास जी महाराज एक युवा महंत हैं, जो कि काफी कम उम्र में एक बड़े स्थान के महंत बन गए हैं और अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन बखूबी कर रहे हैं। गायों की सेवा करने के तत्पश्चात ये पूरे मंदिर प्रांगण का बखूबी ध्यान रखते हैं और यहाँ पर पढ़ने वाले संस्कृत के छात्रों को पूरा इंस्ट्रक्ट करते रहते हैं, बताते रहते हैं कि उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है। और यहाँ पर आपको इनके चेहरों पर एक मुस्कान नजर आएगी। तो अब कहानी में आएगा ट्विस्ट, क्योंकि ये जो महाराज जी हैं, ये बहुत बड़े शौकीन हैं गाड़ियों के। तो क्या ये गलत है या सही, जानेंगे उनकी जुबानी। तो मैं उनका स्वागत करता हूँ। आइए जनार्दन दास जी, आपका स्वागत है। तो अभी माइक मेरे पास एक ही है, तो इस माइक से मुझे काम चलाना है, तो थोड़ा सा बर्दाश्त, क्योंकि मुझे इसी से इंटरव्यू करना पड़ेगा। तो सर नहीं, महान जी, महान जी, आप इस स्थान से कब से जुड़े हुए हैं, ये जानना चाहता हूँ। मैं इस स्थान से तो 1996 में यहाँ पे आया, लेकिन मेरे पूर्वज और मेरी कई पीढ़ी इस स्थान से जुड़ी हुई है। तो अयोध्या बदल रहा है, आपको दिखाई पड़ रही है, इसकी आपको खुशबू आने लगी है। हाँ, अयोध्या बदल रहा है, अच्छा लग रहा है। पूरी दुनिया में हर कोई जो है अयोध्या सबके जुबान पे चढ़ गया है, तो आपको लगता है कि आने वाला वक्त जो है अयोध्या का होने वाला है? यस, सही है, अयोध्या का ही समय आने वाला है, क्योंकि भगवान राम जी बहुत से वर्षों से वनवास काट रहे थे, जिससे पुनः अयोध्या में जो है उनका राम मंदिर बनने जा रहा है। और विकास तो दिख ही रहा है, आपको भी रोड पे आए होंगे, कितनी भीड़ भाड़, कितना लोग आ रहे हैं देव दर्शन के लिए। तो जनार्दन दास जी से मैं इसलिए मिला हूँ क्योंकि ये गाड़ियों के बहुत बड़े शौकीन हैं, और गाड़ियाँ अगर आप चर्चा करेंगे ना, तो शायद हो सकता है आप ऐसे बहुत सारे कम लोग वो बातें जानते हों जो जनार्दन दास जी को पता है। तो ये अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए गाड़ियों के अपने जो प्रेम को, पैशन को पूरा जिंदा रखा हुआ है। मैं गलत हूँ सर? सही है। तो क्या चलाते हो अभी, आप बताइए। मैं अभी फॉर्चुनर है, इनोवा है, इंडिवर है और स्कॉर्पियो है, कई गाड़ियां हमारे पास हैं। तो गुरुजी खुद ड्राइव करते हैं और आज मैं फॉर्चूनर की सवारी करने वाला हूं इनके साथ, और फॉर्चूनर ही क्यों, ये सब कुछ जानूंगा। तो चलिए चलते हैं, आप तैयार हैं ड्राइव के लिए? कोई नहीं, चलिए। तो चलो दोस्तों, और आपको लिए चलते हैं महान जी के साथ। और अब आपको अंदाजा लग गया होगा कि मैं अयोध्या क्यों आया और मैं किससे मिला हूं और आपके लिए क्या लेकर आने वाला हूं। तो पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, आपको ब्लेसिंग भी मिलेगी भगवान राम की और आप एक पैशन भी महसूस कर पाएंगे महंत जी का। तो चलिए चलते हैं। तो मेरे साथ श्री श्री 1008 जनार्दन दास जी महाराज महामंडलेश्वर भी हैं और मैं इनके साथ ड्राइव कर रहा हूँ फॉर्चूनर। सर आपका स्वागत है, कैसे हैं आप? अच्छे हैं। तो मैं सबसे पहले जानना चाहता हूँ, आप ड्राइव कब से कर रहे हैं, चलाते रहिए? मैं 2004 से 2004 से गाड़ी चला रहे हैं जी। तो आपने बहुत सारे किलोमीटर ऐड किए होंगे अपनी गाड़ी? बहुत बहुत। तो सबसे पहले, इसके पहले मैं गाड़ी के बारे में बात करना शुरू करूं, मैं जानना चाहता हूं कि आपने कहां कहां गाड़ी ड्राइव करके अयोध्या से गए हैं खुद? मैं अयोध्या से बहुत दूर दूर गया हूं। मैं जैसे द्वारिका गया हूं, सोमनाथ गया हूं, गंगा सागर गया हूं, पुष्कर, अजमेर, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बहुत अन्य जगह, लगभग सभी जगह मैं गया हूँ। अच्छा, हाँ। तो ये गाड़ियों का पैशन कैसे, क्योंकि देखा जाए तो मतलब इस धर्म को लोग मानते हैं कि जो लोग इन लग्जरी चीज़ों से दूर रहते हैं वही धर्म के साथ रहते हैं, तो इसको मैं चाहता हूं कि आप व्याख्या करें इसकी। ये लग्जरी नहीं है, ये तो हमारे समाज में प्रचार प्रसार का एक साधन है। और समझिए कि हम तो अभी ये गाड़ियां हैं जो रोड पे चलती हैं, हमारे पूर्वज तो हवा में चलते थे, पुष्पक विमान से चलते थे,
तो तभी पूरे देश और विश्व का वो भ्रमण कर पाते थे। ऐसे अगर हम बैलगाड़ी और उससे चलेंगे तो कहाँ पहुँच पाएंगे सब जगह। तो आप इतने बड़े स्थान को मैनेज करते हैं, तो मैं सबसे पहले बता दीजिए लोगों को कि आपने कितने लोगों को एक तरह से रोजगार दे रखा है, क्योंकि सबको लगता है कि ये जो सिस्टम है ना सिर्फ खाने पीने वाला सिस्टम है। तो मैं समझाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि अगर आप किसी स्थान से जुड़े हुए हैं, किसी संस्था से जुड़े हुए हैं, तो सब एक जैसे ही हैं देखा जाए तो। जैसे कंपनी काम करती है उसी तरीके से जो स्थान भी होते हैं वो भी लोगों के भरण पोषण का ही माध्यम होते हैं, उनकी शिक्षा का। अगर मैं गलत हूँ तो गलत बताइएगा। मैं जिस समाज से हूँ, साधु समाज से, इसमें जो सबसे छोटा भी साधु है वो भी कम से कम 10 लोगों का पेट भरता है। और जहाँ तक मेरा और अन्य महंतों का लेना देना है, तो एक महंत से कम हजारों परिवार चलते हैं। जैसे मेरे पास कई जिलों में ज़मीनें हैं, मेरे पास यहाँ गौशाला है, मेरे पास विद्यार्थी सेवा होती है, साधु सेवा होती है। कोई आए जाए, भोजन करे, खाए पिए, रहे, हमको किसी से कोई मतलब नहीं होता है। रहे कि हमको लोग देते हैं तो सोचते हैं इनका क्या खर्चा है, इनके पास तो ये है। तो मेरे पास बहुत से खर्चे हैं, जैसे निस्वार्थ खर्चे हम लोगों के पास हैं। आप करते हो, किसी के यहाँ जाके कुछ देते हो तो सोचते हो कि आपके बेटे के शादी में देगा, आपके मुंडन में देगा, बर्थडे में देगा। मेरा ऐसा कहीं नहीं, जिसको देता हूँ उससे कुछ लेने की कभी हम लोगों को आशा या इच्छा नहीं होती है। इसलिए साधु जो है वो हमेशा परमार्थ ही करता है, देता ही है, और कभी कुछ लेता नहीं, और जितना भी उसको लोग देते हैं वो कम ही होता है उसके लिए। तो जो अब मैं यहाँ पर सीधे अपने मुद्दे पे आता हूँ, क्योंकि मैं गाड़ियों का जर्नलिस्ट हूँ और मैं गाड़ियों के बारे में बात करता हूँ, क्योंकि आप गाड़ियाँ चलाते हो इसलिए मुझे मजबूर होना पड़ा आपके पास आने के लिए। जी। मैं इस आपके इस जो ये जो चेहरा था इसको सामने लाना चाहता था। तो फॉर्चूनर ही क्यों? फॉर्चूनर का कारण ये है कि फॉर्चूनर जैसे हम खेत में जाते हैं और तमाम गांव में जाते हैं, तमाम तीर्थ में जाते हैं, जगह जगह रोडें खराब होती थी, बड़े बड़े गड्ढे होते थे, तो हम गाड़ियाँ लेते थे तो वो गाड़ियाँ नीचे से लड़ जाती थीं और नुकसान उसमें हो जाता था, बहुत ज़्यादा पैसा लगता था। पहले तो ये कारण था कि ये बहुत ऊंची है और कहीं भी आप जाओ उबड़ खाबड़ कहीं भी आपको ये ले जाती है। दूसरी बात, टोयोटा ने अपना ऐसा वो बना रखा, रेपुटेशन बना रखी है कि आप 2 लाख किलोमीटर, 5 लाख किलोमीटर, यहाँ तक लोगों ने 7-7 लाख किलोमीटर तक इन गाड़ियों को चलाया और कभी इसमें कोई परेशानी नहीं हुई। तीसरी बात, इसकी सर्विस हर जगह है, कहीं भी आप जाओ, कहीं भी आप आओ, जहाँ भी ख़राब हो गाड़ी बन जाती है, टोकर लेते हैं, जल्दी से जल्दी इसकी सर्विस हो जाती है, कम पैसा लेते हैं। तो इस वजह से हमने इसको सारी तरह से सोच समझ के लिया कि इसमें खर्चे और हमारे फायदे ज़्यादा हैं। तो आपने ख़रीदा कब था इसे? ये हमने ख़रीदा था 2019 में। 2019 में? जी। और 2019 में मतलब कौन सा मंथ था? ये महीना था, वैसे तो हम लोग अंग्रेजी ज़्यादा नहीं मानते हैं, लेकिन पितृपक्ष से पहले मैंने खरीदा था। अच्छा, पितृपक्ष से पहले खरीदा। हाँ। तो कितने किलोमीटर आप इसको चला चुके हैं अब तक की? अभी तक तो मैं इसको नहीं चला पाया ज़्यादा, 20-22 हज़ार किलोमीटर ही चली, क्योंकि मेरे पास कई गाड़ियाँ हैं। अच्छा। हाँ, जैसे मैं रोड पर चलता हूँ तो मेरे पास इनोवा है, और जंगल खेत इसके लिए मेरे पास इंडीवर है, स्कॉर्पियो है, और तमाम और साधन हमारे आप पास। आप इंडीवर भी चलाते हो, फॉर्चूनर भी चलाते हो, दोनों में सबसे अच्छी कौन सी लगती है आपको? नहीं, अभी ये इंडीवर चूंकि पुरानी हो चुकी है, अब नए जनरेशन की आ गई है, तो उससे तो मेरा कोई अभी वो नहीं हो पाया, पर इंडीवर भी बहुत अच्छी है और फॉर्चूनर भी अच्छी है। तो फॉर्चूनर में सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगता है आपको? फॉर्चूनर में थोड़ा सा इसका क्या है कि रोड पे भी थोड़ा सा अच्छा है, टॉर है, अच्छा, भोकाल है, और उसके बाद अच्छा ऊंची भी है, कंफर्ट भी है, और ये सर्विस भी कम है। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो इसको लेने के लिए और चलाने के लिए मजबूर करती। अच्छा, कितने की पड़ी थी आपको जब आपने खरीदा था ये? हमारी लगभग 36 लाख की पड़ी थी। 36 लाख? टॉप वेरिएंट लिया था आपने? नहीं नहीं टॉप मॉडल नहीं लिया था, ऑन रोड में बता रहा हूँ, सब कुछ लगा के। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, मुझे लगता है टॉप से ठीक नीचे। हाँ ठीक। कौन सा वेरियंट है ये? नीचे का ही है, सेकंड टॉप। सेकंड टॉप है? हाँ। तो मैनुअल लिया था आपने, अभी ऑटोमेटिक क्यों नहीं लिया? ऑटोमेटिक क्या है कि जब जैसे मैं तो चलाता हूँ तो ठीक है मेरा, मैं चला लेता हूँ, मुझको शौक है, सब जानता हूँ, लेकिन जब ड्राइवर चलाते हैं ना तो कौन चलाए, कैसे चलाए, इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ होने का डर रहता है। अच्छा। इसी वजह से मैंने मैनुअल ली कि सबको पता हो कि कैसे चलाई जाती है। अच्छा। हाँ। तो अभी तक आपने कितनी सर्विस करवाई इसकी? इसकी तो 2-3 सर्विस कराई मैंने। हाँ। तो पहली सर्विस तो मतलब ये 2-3 फ्री वाली सर्विसेज? हाँ, पहली तो 5 हज़ार पे हो जाती है, फिर 10 हज़ार पे होती है,
फिर 20,000 रुपये होती है। अच्छा जी, अयोध्या की गलियां बड़ी सकरी हैं जी, तो वहां पर भी फॉर्चुनर ले जाते हो आप या नहीं, अवॉइड करते हो? नहीं, अवॉइड क्या करना है, जहां उबड़ खाबड़ हो इसीलिए तो लिया है, तो जहां गलियों में जाने लायक है वहां जाता हूं, और नहीं जाने लायक है तो नहीं जाता हूं। तो जब आप फॉर्चुनर ले रहे थे तो क्या आपका मन नहीं हुआ कि आप एंडेवर खरीदें जो नई जनरेशन वाली आ गई है? नहीं, मैं सब देखा था जाके एंडेवर, और वो तो पहले मेरे पास एंडेवर थी तो उसके पार्ट वगैरह में बहुत प्रॉब्लम होती थी, कहीं कुछ कट जाए तो बाहर देश से मंगवाना पड़ता था, इसलिए मैं सोच के ये हुआ कि और भी मेरे तमाम लोगों के पास मिलने वाले के पास फॉर्चुनर और अच्छी गाड़ियाँ हैं, तो उन्होंने हमको सजेस्ट किया कि आप ये लो, अच्छा रहेगा आपके लिए। आप किस तरह के ड्राइवर हो, अगर मैं पूछूं सवाल करूं, मेरा सवाल है, आप किस तरह के ड्राइवर हो आप? मतलब एक तो आपका अंदाज लोग देख पाएंगे जो मैंने इसमें लगाया, आपका जो पूजा करते हुए वो सब अंदाज, और ये गाड़ियों वाला आपका पैशन जज्बा, तो इसमें मैं समझना चाहता हूँ कि आप किस तरह के ड्राइवर हैं। ड्राइवर तो लगभग हर तरह से गाड़ी चला लेता हूँ मैं, और हर गाड़ी को चला लेता हूँ, चूँकि बचपन से मैंने 200 गाड़ियाँ खरीदी चलाई, तो अब मैं अपनी कुछ तारीफ क्या करूँ कि मैं कैसा हूँ, बाकी हर स्थिति में मैं गाड़ी चला सकता हूँ। तो ये गाड़ी आपको कितना सपोर्ट करती है, खास करके जब आप ऑफ रोडिंग कर रहे होते हैं या हाईवे पर होते हैं? दो सवाल करूँ, ये गाड़ी मुझको बहुत सपोर्ट करती है, ऑफ रोड पे भी और ऑन रोड भी अच्छा लगता है हमको। तो अभी अगर मैं पूछना चाहूँ कि सबसे लंबी दूरी की यात्रा इस फॉर्चुनर से कौन सी की है, तो आप क्या बताओगे? मैंने इस दिल्ली, अच्छा अभी दिल्ली गया हूँ। हाँ, तो अभी 22,000 किलोमीटर आपने इस पे जोड़ दिए हैं जी, काफ़ी होते हैं अगर देखा जाए तो, ये भी काफ़ी होते हैं, तो इस पे माइलेज आपको लगभग कितना मिला है? माइलेज तो मेरा शौक है, इसलिए माइलेज वाइलेज तो ज़्यादा देखता नहीं हूँ, पर जो 8-10 का देती हो। अच्छा, मतलब पता नहीं आपको एग्जैक्टली माइलेज से कोई लेना नहीं है? नहीं नहीं नहीं, मैं इसमें तो कभी 10 बताती कभी 11 बताती है, अब क्या बताएं, कोई टंकी वाला कम तेल डालता है कोई ज़्यादा तेल डालता है। आपको देख कर डरते नहीं लोग कि देखो मान जी आ रहे हैं तो भैया इसको सही से देना है तेल इसमें? जैसे क्योंकि आपका एक औरा है, पूरे सब जानते हैं अयोध्या में, आपकी अलग तरह की पहचान है यहाँ पर। नहीं तो अयोध्या में तो ठीक है भाई, सोच समझ के लोग डाल देते हैं, बाहर में जाओ तो थोड़ा सा कौन जानता है कि कौन है क्या है, पर भी मैं ज्यादातर रिलायंस पे तेल लेना पसंद करता हूँ। रिलायंस पे? हाँ, लोग बताते हैं कि अच्छा तेल देते हैं वो। अच्छा, हाँ। तो इसके अलावा जैसे गाड़ियों में, गाड़ी का जो आपका फन है, मतलब आपके जो महंत वाला जो दायित्व है, उसके अलावा जो आप गाड़ियों के साथ जीते हैं, उसके अलावा भी आपका कुछ लगता है कि मनोरंजन में जिंदगी में कुछ और शामिल है, क्योंकि मुझे पता है आप बहुत सारे गैजेट प्रेमी भी हैं। हाँ, मैं समय के साथ जो है अपग्रेड रहना चाहता हूँ, तो जो अच्छे गैजेट्स हैं और भी तमाम जो उपकरण है मैं उसको रखता हूँ, उसका शौक है हमको। अच्छा, जो क्योंकि आप युवा पीढ़ी का भी प्रतिनिधित्व करते हैं, मुझे नहीं लगता कि आपकी उम्र बहुत ज़्यादा है जी, और आपको देखकर लोग जो है मतलब अपने आप को कनेक्ट भी कर लेते होंगे। हाँ, कि आप सिर्फ महंत नहीं हो, आप जो है उनके लिए एक अच्छे मार्गदर्शक भी हो। हाँ, तो जो लोग करियर बना, क्योंकि करियर भी बनाना चाहते हैं लोग, साधु बनना चाहते हैं बहुत सारे लोग, महंत बनना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे, क्या मैसेज देना चाहोगे? नहीं, अच्छा है, साधु तो बहुत कम लोग बनते हैं, और महंत बनने का तो कोई वो नहीं होता है किसको भगवान बनाते हैं, क्योंकि जो गद्दी होती है, चूँकि हमारे पूर्वजों ने बहुत साल तपस्या की है तब ये गद्दी जाके स्थापित हुई है, तो वो उसमें शक्ति है, वो खुद अपना महंत खुद चुनती है, किसी के बनाने से या कर देने से कोई महंत नहीं बनता है। मैं पहले हनुमानगढ़ी पर रहता था, वहीं मेरी शिक्षा दीक्षा वहीं हुई, मैं पहलवानी करता था, मैं वहाँ रहता जीता था, और हमारे यहाँ आश्रम पे बहुत से संत रहते थे, बुजुर्ग संत, जिनको बताया जाता था कि यही महंत बनेंगे, यही वो बनेंगे, सारे लोग होते थे, अंत में मुझको महंत बनाया गया। उसमें कंपटीशन क्या होता था, क्योंकि इस चीज़ को अयोध्या से आप बिलोंग करते हो, लोग अच्छे से समझ जाते हैं, मैं भी चाहता हूं कि कंपटीशन, कोई कंपटीशन नहीं होता, लोगों का विचार थोड़ा सा वो होता है कि महंत बनने से बहुत सारा ये हो जाएगा वो हो जाएगा, पर कुछ नहीं होता, महंत होने से बहुत सारी भार शरीर सर पे हो जाते हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हो जाती हैं, और जो इस जिम्मेदारी का अच्छे से निर्वहन करता है वो अच्छा कहलाता है, नहीं तो आप समाज में तमाम गंदे लोगों को देख रहे हो जिन्होंने पूरे समाज की इज्जत और इसको ख़राब कर दिया, तो इस वजह से आप समझ सकते हो कि क्या है कैसे है। जो अयोध्या अब बस रही है, क्या आपको लगता है, मतलब महान जी को लग रहा है ऐसा कि अब अयोध्या में ऐसी सड़कें भी होगी जहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ नजर आएंगी अच्छी वाली? हाँ, सरकार की पहल चल रही है कि गलियों और सड़कों को
चौड़ा किया जाए, जिससे यहाँ का आवागमन ट्रैफिक और ये सब अच्छा हो जाए, जिससे लोग बहुत भीड़ हो जाती है, बहुत वो हो जाता है। तो लोग प्रयास कर रहे हैं कि चौड़ा हो, पर बहुत सारे व्यापारी, बहुत सारे गरीब लोग, सारे लोग हैं, इनकी कोई व्यवस्था नहीं प्रॉपर है ना, कि इनको हटा के कहाँ भेज दिया जाए। इसलिए थोड़ा सरकार भी नम है कि कुछ हो जाए तब इनको किया जाए, इसलिए थोड़ा वक्त। हाँ, बाकी प्रयास तो सरकार पूरा कर रही है कि गलियों को चौड़ा कर दिया जाए, सड़कों को चौड़ा कर दिया जाए, धर्मशालाएं हो जाए, एयरपोर्ट बन जाए, बहुत सारे इसके लिए प्रयास चल रहे हैं। तो आप जब ड्राइव करते हो, आप देख रहा हूँ मैं, बेल्ट भी लगाते हो आप पूरा, तो ट्रैफिक नियमों का भी मुझे लगता है पूरा पालन करते हो जी, तो कहीं से आपको लगता नहीं है कि इससे थोड़ा सा, बहुत सारे लोगों को लगता है सीट बेल्ट लगाने से ना समाज में उनका स्टेटस थोड़ा डाउन हो जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। जब कोई एक्सीडेंट हो जाता है और किसी परिवार का मुखिया छिन जाता है, तब उसको लगता है कि सीट बेल्ट लगाए होते तो कार हम बच जाते, एयरबैग खुल जाता, और ये तमाम चीज़ें हैं, ये हमारी सेफ्टी के लिए है, तो इसमें कोई तो फॉर्चुनर से आप सेटिस्फाइड हो जिसके सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं, कई सारे एयरबैग हैं, सब कुछ इस पे दिया गया है। देखो, हम लोग सनातन धर्म के हैं, जब ईश्वर हमको बुलाएगा तो हम बच नहीं पाएंगे, पर इसकी सेफ्टी फीचर काफ़ी हैं, इसमें एयरबैग वगैरह 5-7 इसमें है ही हैं और तमाम अच्छे हैं। फिर थोड़ा सा हम सीट बेल्ट लगाएंगे, ध्यान से चलेंगे, तो हमको नहीं लगता जल्दी से हमको कोई परेशानी होगी। अच्छा, किस भाषा में आप कम्युनिकेट करते हैं, कैसे बातचीत कैसे करते हैं, वो भी मैं जानना सुनना चाह रहा था आपके मुंह से कुछ, मैं क्योंकि आप तो ऐसे भी मैं पूछ रहा हूँ तो मेरे वाली भाषा में आप जवाब दे रहे हो। नहीं, अयोध्या में क्या बोलते क्या है? अयोध्या में देखिए ऐसा है कि अवधी भी बोलते हैं, तो जैसे और आप मुझसे बात कर रहे हैं, मैं अवधी और भोजपुरी दोनों जानना चाहता हूँ आपसे। जैसे क्या, जैसे अपने फॉर्चुनर को एक्सप्लेन कर दीजिए आप अवधी में, पहले अवधी में फिर भोजपुरी में। जैसे हम लोग बोलते हैं, थोड़ा सा खड़ी भाषा बोल रहे हैं, तो ऐसे हम लोग नहीं बोलते, बोलते हैं कि जैसे कि भैया क्या हाल है आपका, कौन गाड़ी लाए हो? भैया बहुत बढ़िया गाड़ी है आपकी। अच्छा, हाँ, कहाँ जा रहे हो? मतलब थोड़ा देहात में, जब आप देहाती हमसे बात करोगे तो मैं उसमें मैं करता हूँ, मुझे आती है, मैं अयोध्या का। तो आप बात करो, एक चीज बताओ महाराज जी, तो फॉर्चुनर मतलब यह काहे लियो इतना कुल्ले भीड़ में? बहुत रहे था महिंद्रा एल्ट्रस G4 रहा, ठीक है, एंडेवरो आई रही, और एक इसुजू का एक गाड़ी है MUX, तो यह काहे लियो? ऐसा रहा भैया ना कि ये गाड़ी में थोड़ा सा अच्छा फील होता रहा, लोगन के देखत रहे कि बहुत तरह तरह के गाड़ी है, जमन फार्चुनर ही ज़्यादा निकालत है लोग, तो हम कहे कि भाई हमहूँ फार्चुनर ले, इसमें थोड़ा और कन्फर्म महसूस करेंगे, तो सबका देख के हम ले लिए इसको। अच्छा, आपको नहीं लगता, आपको नहीं लगता कि छोट गाड़ी होनी चाहिए आपके लगे? छोट गाड़ी स्टेटस आपको क्यों लगता है कि हाँ स्टेटस डाउन हो जाए? नहीं भैया, ऐसा नहीं है, स्टेटस का है, हम तो संत आदमी हैं, स्टेटस तो हमारे भगवान बना के भेजे हैं, और आदमी का व्यक्तित्व हो तो स्टेटस का कोनो बात नहीं होता। फिर भी फॉर्चुनर थोड़ा आपको लगता है कि रोड प्रेजेंस? हाँ, हमारे हिसाब से है गाड़ी भैया। अच्छा, हाँ, हम एक गांव ले जाए, क्षेत्र में ले जाए, कहीं नदी में ले जाए, नाला में ले जाए, सब में चलत है। और गाड़ी है कि उसमें थोड़ा कहीं बच जात है, कहीं फंस जात है, तमाम परेशानी हो जात ना भैया। तो ड्रीम डेस्टिनेशन कौन होता है, कहाँ लेके जाबो ये गाड़ी? ये गाड़ी की हम आगे कहाँ कौन सी गाड़ी लेना पसंद करें? नहीं, कहाँ का चलाक पहले जाबो फिर खरीदो, बाद में बाद पूछो। ऐसा है भैया ना, हम एक लेके कहूँ जा सके थी, जैसे कहूँ सोचे हो केदारनाथ, बद्रीनाथ, तवांग चला जाओ, सिक्किम केलंग चला जाओ, कहूँ चला जाओ। हाँ, लेह लद्दाख मन करता है, लेह लद्दाख जाए? हाँ हाँ, एकदम भैया, उससे लेह लद्दाख जाएंगे, जरूर जाएंगे। अच्छा, हाँ, तो हम भैया ऐसी जगह जाना चाहते हैं कि जहाँ हमारे समाज से संबंधित जो है कुछ हो। अच्छा, जैसे मतलब इस शौक को आप वहीं पे पूरा करेंगे जहाँ जहाँ हमारे देवी देवता, हमारे सनातन धर्म की बात चल रही हो। अच्छा, हाँ, तो इसके बाद आप कौन सी गाड़ी लेंगे? फॉर्चुनर के बाद क्या देख रहे हैं? मैं अगली बार जब आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ तो किस गाड़ी में होऊंगा? मन तो हमारे बहुत गाड़ी का है भैया, लेकिन देखो कौन लेते हैं। नहीं मतलब कैसन और लग्जरी, BMW मतलब जर्मन लग्जरी में जाना है, प्रीमियम में? जर्मन नहीं, हम यही कंपनी में चाहते हैं कि लैंड क्रूजर लूं। अच्छा, तो और या फिर रेंज रोवर वगैरह, ये अच्छी गाड़ियां चाहते हैं। और हमारा तो ड्रीम ओरिजिनल है कि मैं बुढ़ापे में रोल्स रॉयल से ही चलूं।
बहुत बढ़िया, तभी बुढ़ापा आने में काफी वक्त है आपका। काफी वक्त है, इसीलिए संघर्ष कर रहा हूँ। हाँ नहीं कोई बात नहीं, तो मुझे लगता है जब तक आप बुढ़ापा आएगा मेरे कई सारे इंटरव्यूज आपके साथ निकलेंगे। जरूर, जरूर। इस ड्राइविंग पैशन के साथ में जरूर जरूर। हम तो चाहते हैं भैया आप आओ, और यहाँ भी और भी तमाम संत हैं हमारे यहाँ, और सब लोग गाड़ी चलाते हैं और वो करते हैं, सबका अलग अलग वो है। मैं सबको लेके आऊंगा क्योंकि मैंने आपसे शुरुआत की है, तो इसके बाद में जितने वो लोग हैं जो खास करके ड्राइव करना पसंद करते हैं उनको जरूर लेके आएंगे हम अपने इस चैनल पर जी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि, लेकिन दोस्तों कुछ और बोले, आपसे पहले एक चीज जानना चाहेंगे, आप भजन सुनते हो या गाने सुनते हो? नहीं नहीं हम भजन भी सुनते हैं गाने भी सुनते हैं। गाने कैसे? पुराने, मतलब फिल्मी गाने? हाँ हाँ फिल्मी भी सुन सकते तो हैं। देखो निषेध नहीं है, आप ही मत समझो कि किसी महंत को देख लिया तो फिल्मी गाने नहीं सुनता है, सुन हाँ। सकता है, और इसमें कोई बुराई भी नहीं, कोई पाप नहीं, कोई बुराई नहीं है। तो गाना गाने सुनने से कोई वो थोड़ा ना होता, गाने सुनने से हमारे विचार शांति मिलती है, जैसे हम भजन सुनते हैं उसी तरह गाने हैं। गाने से कोई अश्लीलता तो है नहीं कि आप अश्लीलता सुनो, वो गाने हैं। सही बात है। तो महान जी के पसंद का एक मिनट का एक गाना मैं अपने इंस्टाग्राम पे लगाऊंगा, तो मेरे इंस्टाग्राम पे चलिएगा, मेरे इंस्टाग्राम @amit.dvd जरूर सुन के जाइएगा। और दोस्तों यहीं पर मैं अपने इस वीडियो का अंत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर जनार्दन दास जी महाराज के साथ मेरा ये इंटरव्यू आपको पसंद आया होगा और आपने उनके ड्राइविंग के पैशन को देखा होगा। जरूरी नहीं है कि हर कोई तकनीकी जानकारी रखता हो गाड़ी के बारे में, लेकिन जो उसका पैशन होता है उभर के सामने आता है। उम्मीद करता हूँ सब कुछ आपको अच्छा लगेगा होगा। अगर आप उनसे कुछ जानना चाहते हैं या कुछ सवाल करना चाहते हैं महाराज जी से, तो एक काम करिएगा, मेरे इंस्टाग्राम पर लिख दीजिएगा, फिर कमेंट बॉक्स में लिख के जाइएगा, जवाब आपको जरूर मिलेगा। अपना ध्यान रखिएगा। कुछ आशीर्वाद दे दीजिए चलते चलते सबको। भैया मंगल कामना, सेफ रहें, सेफ ड्राइव करें, सीट बेल्ट लगा के रखें, सीट बेल्ट लगाए।